आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। खंड विकास अधिकारी भादर ने बताया कि पेंशन नहीं तो नौकरी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, विकास को नई दिशा देने के लिए नित नए नए प्रयोग कर रहे हैं, वहीं इन्हीं के मातहत अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 12 तारीख तक चलने वाली हड़ताल का प्रतिनिधित्व अमेठी जनपद के भादर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने स्वयं किया। हड़ताल का प्रतिनिधित्व करते हुए खंड विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे। जिस समय हम लोगों की पोस्टिंग हुई उस समय पेंशन का प्रावधान था तो हम लोगों की उम्र लंबी थी, लेकिन पेंशन खत्म कर देने से हम लोगों की उम्र भी कम हो गई। जिस तरह से हम लोग भर्ती हुए थे उसी तरह हम वापस चले जाएंगे। क्या फायदा हुआ पढ़ाई का, क्या फायदा हुआ सरकारी नौकरी का, जब यही बनिए की नौकरी करना था तो हम घर में ही ठीक थे। अगर यही रवैया रहा, पेंशन बहाल नहीं की गई, तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी विभागों को काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का नामो निशान नहीं रहेगा। खंड विकास अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल 12 फरवरी 2019 से आगे भी अनवरत चलती रहेगी। समाचार टीजेट के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। सर, भादर ब्लॉक के आप खंड विकास अधिकारी हैं, सर ये क्या बात लेके हड़ताल हुई है? अब कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन मांग रहे हैं सरकार से, जो कि इनका अधिकार है भाई, मिलना चाहिए। अच्छा सर, इसमें आप भी समर्थित हैं? जब सभी लोग समर्थित हैं तो हम भी समर्थित हैं। अच्छा सर, तो कहाँ मतलब ये ब्लॉक स्तर के हैं कि हॉस्पिटल या और सबके शिक्षा विभाग? सभी लोग हैं, हर विभाग के हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर। ये कब तक चलेगी सर? 12 तारीख अभी तक 12 तारीख निश्चित है। 12 तारीख तक निश्चित है। 12 तारीख तक उसके बाद जरूरत पड़ी तो आगे निश्चित। आप हमारा विभाग के जिला मंत्री जी हैं, हमारे जिला महामंत्री जी। हाँ, अच्छा आपका क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए आप किस पद पे हैं? जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ में। अच्छा, क्या बात लेके हड़ताल हुई है? पहले जब लोग नौकरी करते थे तो 2005 के पहले जितने लोग हैं सब लोग पेंशन पाते थे। हाँ, और 2005 के पहले वाले, 2005 के बाद वाले सारे लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। और जब पेंशन मिलती थी तब लोगों की उम्र अधिक थी, तो पेंशन कम हो जाएगी तो इनकी उम्र कम हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? दूसरी बात यह है, सरकार जब कोई चाहे विधायक हो चाहे एमएलए एमपी हो, एक दिन के लिए चुना जाता है तो उसे 84,240 रुपये मिलता है। और हम 40 साल नौकरी करते हैं और हमें लास्ट में 40 साल नौकरी करने के बाद भी जैसे हम आए थे वैसे हमको वापस भेज दिया जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हड़ताल कब तक आप करेंगे? हमारी हड़ताल जो है 12 तारीख तक चलेगी अनवरत। अगर 12 तारीख तक हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई इसके आगे भी हड़ताल बढ़ती रहेगी। और ये बताइए इसमें किस किस विभाग के व्यक्ति? इसमें जितने विभाग हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं है जो इसमें सम्मिलित न हो। क्या स्वास्थ्य विभाग से भी है? स्वास्थ्य विभाग के साथ ही हमारे जो है अनवरत सहयोग कर रहे हैं, इसलिए जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, जो महिलाएं और लोग बीमार हैं उनकी सेवा में हल्के फुल्के लोग लगे रहते हैं, लेकिन सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं इसलिए लोग न खत्म हो। अच्छा, आपातकालीन सेवाएं यहाँ का सुन। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पाठक। अच्छा जी, इसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष भादर हैं हम। हाँ। इस कर्मचारी अधिकारी और शिक्षक एकता पुरानी पेंशन बहाली मंच का मैं यहाँ अध्यक्ष। हाँ। और हमारे ग्राम विकास के अधिकारी यहाँ संयुक्त परिषद के अध्यक्ष संयोजक हैं। हम लोगों की मांगे बहुत पहले से चल रही थी, सरकार ने हम लोगों को 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने का समय दीजिए, हम पुरानी पेंशन पर चर्चा करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम लोगों ने इस आश्वासन पर लिखित रूप से आश्वासन पर धरना समाप्त किया था कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसी पर चर्चा होगी। कमेटी में हमारे सदस्य बनाए गए थे संयोजक जी हरकिशोर तिवारी जी और श्री डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। हम लोग उसी धरने को अनवरत आगे के लिए बढ़ा दिए हैं। 6 तारीख से 12 तारीख तक अभी हम लोगों की हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानती है, कुछ विभाग जो आकस्मिक सेवाएं में हैं
जैसे चिकित्सा विद्युत विभाग, इनको छोड़ दिया गया है कि अभी ये लोग आपातकालीन सेवाएं हम लोग को देते रहें। अगर नहीं मानते हैं, एक तरफ से सभी कर्मचारी संघ महा हड़ताल पे जाएंगे, सारी सेवाएं ठप हो जाएंगी, अनिश्चितकालीन पे जाएंगे हम लोग। और यहाँ हम लोग आए थे, हमारे BDO साहब का हम लोगों को आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। यहाँ सारे विकास विभाग बंद हैं, कोई विभाग खुला नहीं है, और हम यही चाहते हैं कि इसी प्रकार सारे लोग एकजुट रहें, सरकार हम लोगों को जल्दी सद्बुद्धि आए, हम लोगों को मांग मान ले। हम यही चाहते हैं, पुरानी पेंशन।